ओम शांति। तपस्या सुंदर रूप से चल रही है, बाबा भी हमारी बहुत पालना कर रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। स्मृति दिवस के दिन पर भी बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम्हारी चमक से संसार चमक रहा है, रोशनी फैल रही है संसार में। बस लोगों को अब ये पता चलेगा ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो हम सभी अपनी स्थिति को महान बनाएं, योगयुक्त हो जाएं, ताकि हम लाइट हाउस बन संसार में प्रकाश फैलाते रहें। इससे विश्व का परिवर्तन होगा। इसके लिए बहुत आवश्यकता है स्वयं को संपूर्ण रूप से हल्का करने की, फरिश्ता बनने की, और हल्के रहने के लिए सहज युक्ति बाबा ने बताई है। हमारा हाथ बाबा के हाथ में है, वो हमारा जिम्मेदार है, वो हमारे सभी बोझ हरने आया है, वो तो हमें महान बनाने आया है, स्वराज देने आया है, हमारी खोई हुई शक्तियाँ पुनः देने आया है। हम अपनी जीवन उसके हवाले कर दें, बहुत बड़ी चीज है, स्वयं को उसके आगे समर्पित कर दें। बाबा हम तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, मन तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी, बहुत सुख मिलेगा। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति किसी पावरफुल व्यक्ति की शरण में आकर निश्चिंत हो जाता है, हम बाबा की शरण चलें, निश्चिंत हो जाएं। बच्चे भी तुम्हारे, उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी, ये समर्पण भाव हमें बहुत निश्चिंत करेगा और महान बनाएगा। तब बाबा भी कहेगा, बच्चे मैं भी तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। अगर मनुष्य ऐसा प्रारंभ से ही अपने को समर्पित कर दे, ये बात केवल कहने तक न रहे कि जरूरत पड़ी तो कह दिया बाबा हम तो तुम्हारे हैं, सच्चा समर्पण भाव यदि हो जाए तो आपका परिवार भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी और चरित्रवान, और जीवन समस्याओं और विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये समर्पण भाव सचमुच बहुत ही गहरी बात है। तो आज से हम करते रहें, बाबा ये मन तुम्हारा है, अब तुम्हारे जो संकल्प वही मेरे संकल्प, तुम्हारी जो पसंद वही मेरी पसंद, तुम जो चाहते हो हम ऐसे संकल्प करें वही हम करेंगे, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं करेंगे, बुद्धि भी तुमको अर्पित, अहम भाव से मुक्त, पूर्णतया डिवाइन डिफाइन। अब हम अपनी बुद्धि को ऐसा बना लेते हैं जिसमें बाबा बैठ सके, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि क्लीन नहीं है, अगर हमारी बुद्धि डिवाइन नहीं है, तो उसमें भगवान कैसे बैठेगा। हम चाहते हैं बाबा की याद रहे, और बुद्धि को यदि हमने व्यर्थ से भरा होगा, गंदगी से भरा होगा, तो बाबा हमारी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, अर्थात हम योग युक्त हो ही नहीं सकेंगे। तो इस बुद्धि को पूरी तरह से समर्पित करके हम इसको रिफाइन कर दें, प्योरिफाई कर दें, ताकि निरंतर इसमें प्रभु वास हो सके। तो आज सारा दिन हम बहुत सुंदर तपस्या करेंगे, कल्प वृक्ष को सकाश देते रहेंगे। याद करें, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है, मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, छोटा नहीं, तो हमारे विचार भी बहुत बड़े बहुत महान होने चाहिए। तो विजन बनाएंगे कि हमारे सिर पर ही कल्प वृक्ष खड़ा है, और हमारी जो स्थिति है, हमारी जो प्योरिटी है, हमारी जो शक्तियां हैं,
उनके वाइब्रेशन पूरे कल्प तक को जा रहे हैं। बाबा हमारा साथी और हम कल्प वृक्ष को सकास दे रहे हैं। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे दिन में हर घंटे में दो बार अवश्य रहकर विश्व को सकास देंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।